संपाई सुरेन जी का साथ मैं खुद चाहता हूं कि वो बीजेपी में आए और हमें ताकत दे, लेकिन वो इतना बड़ा लीडर है, उनका बारे में मुझको टिप्पणी करना ठीक नहीं लगते हैं। अगर वो दिल्ली में आए हैं तो कोशिश करेगा बातचीत करने का भी, लेकिन ऐसे तो मेरा इनडायरेक्ट डायरेक्ट बात होते हैं, लेकिन कभी मैं उनका साथ पॉलिटिकल बात नहीं किया हूं आज तक। 5-6 महीना से ही मेरा कभी कभी बातचीत होते रहते हैं, लेकिन मैं कभी पॉलिटिकल बात नहीं करता हूं, लेकिन मुझको लगता है अभी समय आ चुका है थोड़ा बहुत राजनीति का बात भी करना। यही आप पर आरोप लगाया है कि आप पार्टी को तोड़ रहे हैं। देखिए पार्टी को देखिए पैदा कर रहे हैं। देखिए मैं तो चाहता हूं हेमंत सोरेन जी भी बीजेपी में आए। किस लिए? बीजेपी का मतलब क्या है? राष्ट्रभक्ति। बीजेपी ऐसा एक मंच है, मोदी जी का नेतृत्व में खुद हेमंत सोरेन जी भी है, पार्टी तोड़ने क्या क्या बात है? हम लोग मिल के काम करता हूँ, देश का ही काम करता हूँ। झारखंड में घुसपैठियों को रोकने के लिए हम हेमंत सोरेन जी से भी बात करने के लिए हम तैयार है। हमें झारखंड को बसाना है, कोई बीजेपी को बसाना नहीं है। बार बार जो बोलते हैं बीजेपी बीजेपी, हमारा कोई मतलब ही नहीं है, हमारे लिए देश प्रथम है। बीजेपी तो बाद में आते हैं ना, देश पहले आता है। आज झारखंड का सामने सबसे बड़ा समस्या है घुसपैठियों का समस्या। ये समस्या अगर समाधान करने वाला है, अगर हेमंत सोरेन जी बोलते हैं हम खुला दिल से ये समस्या का साथ है, तो उनसे भी बातचीत होगा। हम कोई उनका खिलाफ भी नहीं है, ऐसा बात नहीं है। हम कोई इनवाइट कर रहे हैं सर भाई, मैं तो यही बात बोल रहा हूँ कि घुसपैठियों का मामले में आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, आप ही नेतृत्व लीजिए, और झारखंड को घुसपैठियों से बसाना है, और उसमें अगर हेमंत सोरेन जी भी नेतृत्व देता है, हमारा क्या प्रॉब्लम है? हम थोड़े कोई नेता बनने के लिए यहाँ आया हूँ। हमारा पार्टी का किसी को नेता बनना नहीं है, हमारा पार्टी का यही मकसद है कि आपने जो चुनाव का समय वादा किया था उसको निभाइए और झारखंड को घुसपैठियों से मुक्त कीजिए। यही दो सिंपल मांग है। अगर आज हेमंत सोरेन जी बोल देते हैं कि 38 सितंबर का पहले मैं 5 लाख नौकरी पक्का कर देता हूं, तो हो सकता है हम चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। किससे? जुबा मेरे लिए पहला है ना, हम बाद में है। तो जुबा को अगर न्याय मिल जाते हैं तो हमें क्या जरूरत है? काल अगर हेमंत सोरेन जी बोल देते हैं कि झारखंड को घुसपैठी उसे मैं मुक्त करूंगा, आप बोलते हैं वो भी है, आप ये समस्या को स्वीकार कीजिए। आदिवासी समाज का सबसे बड़ा लॉस हो रहा है घुसपैठियों से, उसको एक बार स्वीकार कर दीजिए। बाकी बात तो आगे हम लोग बैठ के कर लूंगा।